डॉक्टर एच एन सिंह पटेल ने कई गांव में किया जनसंपर्क, कहा सगड़ी विकास से है कोसों दूर। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा के सपा प्रत्याशी डॉक्टर एच एन सिंह पटेल ने लाट घाट बाजार सोहराबाद महुला आदि कई गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान गांव के लोगों ने अपनी समस्याओं की फरमार सपा प्रत्याशी से लगा दी। कई गांव के लोगों का ऐसा कहना था कि वर्तमान विधायक कभी उनके घर नहीं गई, कभी उनकी बात नहीं सुनी, तो वहीं डॉक्टर एच एन सिंह पटेल ने लोगों की समस्याओं के बारे में जाना और देखा कि कई गांव में रोड, चकरोड, नाली जैसे कई समस्याएं हैं जिससे गांव के लोग परेशान हैं और वर्तमान विधायक द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, चारों तरफ लोग परेशान हैं। जनसंपर्क के दौरान सपा प्रत्याशी डॉक्टर एच एन सिंह पटेल के साथ सैकड़ों संख्या में सपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव जिंदाबाद, डॉक्टर एच एन सिंह पटेल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गांव गांव घूम घूम कर लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने की अपील कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर एच एन सिंह पटेल ने कहा कि सगड़ी विकास से कोसों दूर है, इस सगड़ी में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिसकी चर्चा की जाए। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ तमाम तरह की समस्याएं हैं। मैं क्षेत्र की जनता से वादा तो नहीं करता हूँ, पर मैं लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। बहुत बड़ी ग्राम सभा है मौला जी, 12 पूरे का है मौला में चल रहा है, उसके बाद सोहराबाद में अभी हम चल रहे हैं, उसके बाद हम करना जाएंगे, उसके बाद बनकटिया जाएंगे, उसके बाद आगे तक चले जाएंगे, नौका पूरा हुआ, बड़ी जान हुआ, घर घर हम लोग संपर्क करेंगे। सबसे बड़ी परेशानी उनकी है महंगाई, कमर तोड़ महंगाई जी। दूसरी है कि जो सड़कों की व्यवस्था है, दशा है। तीसरी चीज़ अभी जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे फसल बिल्कुल बर्बाद है पानी की वजह से। यहाँ पे नाला हुआ करता तो जो पड़ गया है, लेकिन पिछली सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता, सिर्फ एक घंटे का काम है, नाला खुदवा दिया होता तो शायद ये हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है पानी से गंदगी नहीं। लोग तो यही कह रहे हैं कि 5 साल तक हमको दर्शन नहीं मिला, चुनाव आया तो हमको दर्शन मिल रहा है। हम क्या क्या काम करना तो छोड़ दीजिए, अभी हम वादा नहीं करेंगे, उसको अगर करके दिखाएंगे, करके दिखाने का मतलब ये है कि लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश। आपकी जान और आपकी शान और आपकी पहचान तो साइकिल निशान, आने वाले अगर मिश्रा कुमार जी को साइकिल के निशान पर खटाकर बटन दबाने का काम करेंगे, और चंद भाई जी को भारी से भारी मतलब सफर बनाने का काम करेंगे और अपना अपना भविष्य उज्जवल बनाने का काम करेंगे। क्योंकि शायर कहता है कि कौवा बोले गाँव गाँव, कौवा बोले गाँव गाँव तो साइकिल दोनों गाँव गाँव, और गाँव गली में बच्चे से तो साइकिल चली भी जाए। मान लो तालियां मिल रही है, मौसमी ग्रस्त को जूस कहते हैं, मौसमी ग्रस्त को जूस कहते हैं, और जो तालियां ना बजाए उसे कंजूस कहते हैं। जोरदार तालियां सभी लोग। आने वाली आगामी 7 मार्च को साइकिल के निशान पर बटन दबा करके अखिलेश भैया जी को हाथों को मजबूत करना है, और चंद भाई जी को भारी से भारी मतलब चप्पल बनाने के काम करेंगे। क्योंकि गूंज रही है संगली के चप्पल चप्पल में आवाज, कौन सा मेरे साथ साइकिल।